हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वेक्टर फॉर्म, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। अपन ने जो पढ़ा था लास्ट टाइम टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था विद्युत बल का सदिश निरूपण। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, दो नंबर में आ सकता है, पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम के बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस और ये वाई और ये जेड एक्सिस, ये मूल बिंदु ओरिजिन। यहाँ से एक पोजिशन वेक्टर लिया है अपन ने, ए पॉइंट तक आर वन वैक्टर, एक बी पॉइंट तक आर टू वैक्टर। ए पॉइंट पर जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है सोर्स चार्ज स्रोत आवेश प्लस क्यू। बी पर जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट। मतलब कहने का ये है हमारे पास कौन सा परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। इन दोनों के बीच में आपने कूलम बल्ला जो पढ़ा था वो एक बार देख लेना, नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो है वो है आर टू वन की, ये रहेगी आर वन टू की, ये है फोर्स एफ टू वन। इसके साथ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा हुआ है एफ टू वन, दैट मीन्स फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए। इसको दो मान लेते हैं, इसको एक मान लेते हैं तो आ जाएगा एफ टू वन, और इसको मानेंगे वन, इसको मानेंगे टू, तो ये हो जाएगा वही चीज़ है एफ वन टू। इसी तरह ई वन टू हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा ई टू वन। दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है आर टू वन। चलें शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है अपन ने ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड, एक पॉइंट क्यू चार्ज वो प्लेस है एट ए पॉइंट, कहाँ पर है ए पॉइंट पर, सो क्या बोला है अपन ने ओ ए, इसे आर वन वैक्टर। प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर स्थित है, अतः ओ ए वैक्टर बराबर आर वन वैक्टर। सेकेंड लिखा है अपन को, देखो कैलकुलेट कहाँ फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड करनी है। आपको याद हो तो प्लस क्यू की वजह से अपन ने स्मॉल आर डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ था प्लस क्यू नॉट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र निकाला था ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद है थोड़ा सा। तो वही बात यहाँ पर है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, यहाँ निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितनी है देखो एक बार, ओ बी कितना है, ओ बी वैक्टर इक्वल टू आर टू वैक्टर। विद्युत वी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, दैट मीन्स ओ बी इक्वल टू आर टू वैक्टर, ये मैंने बता दिया। अब देखो ये कितना है, दिस इज ए, दिस इज ए बी, दैट मीन्स दिस इज ए बी वैक्टर, कितना है आर टू वन। आर टू वन कैसे निकाला मैंने, आर टू माइनस आर वन, सिंपल सी बात है अपन निकाल सकते हैं। पहले बताया मैंने ये आर वन हो गया, ये हो गया आर टू वन, और ये कैसा हो गया आपका आर टू। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो आर टू वन कितना हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन। चले अब इसको डेरिवेशन फटाफट अपन खत्म करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। मतलब कहने का ये है कि प्लस क्यू नोट आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू नोट आवेश पर प्लस क्यू के कारण। अच्छा पहले अपन बल निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अटैच चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू फ्रॉम कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन Q नॉट एंड प्लस क्यू, तो कितना हो जाएगा F अपने निकाल दिया। F इक्वल क्या होता है, K Q नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, K होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर लगाया, यहाँ लिखा मैंने Q नॉट और यहाँ पर Q आया, कोई दिक्कत नहीं है। R कितना दोनों के बीच का, R टू वन का स्क्वायर। अब देखो ये वेक्टर, तो यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा अपन को आर टू वन का, इसको अपन सॉल्व करना जानते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप अपना हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू नोट क्यू आर टू वन, और ये हो जाएगा नीचे आर टू वन, ऊपर हो जाएगा आर टू वन का वेक्टर फॉर्म। ये इसका नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ लिखा है। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं आगे। ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught क्यू नोट क्यू, ये हो जाएगा क्यू इसका आर टू वन वेक्टर का क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास आर टू वन वेक्टर फॉर्म में। अब अपने पास ये क्या आया है, अपने पास आया है एफ। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, चेक कर लेता हूँ कैमरे में। एट पॉइंट बी, इस बी पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। तो मैंने लिखा ई वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, तो एफ की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 1/4 pi epsilon naught क्यू नोट क्यू, अपॉन कितना है अपने पास में आर टू वन। ये लगाया मैंने वेक्टर, इसका हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया क्यू, ऊपर आ जाएगा आर टू वन वेक्टर। अब नीचे क्या देखो, ये तो पूरी वेव की वैल्यू हो गई। अब लिखते हैं अपन नीचे क्यू नोट 1/4 q0, इससे ये कैंसिल, दैट मीन्स ई वेक्टर हमारे सामने आएगा 1/4 pi epsilon naught क्यू आर टू वन, कितना हो जाएगा आर टू माइनस आर वन क्यू, और ये हो जाएगा आर टू माइनस आर वन का वेक्टर फॉर्म। ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ डायरेक्शन की बात करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ आएगी बताओ मुझे, ए बी की डायरेक्शन में आएगी। यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा ए वी वेक्टर की दिशा में होगी। ध्यान दें एक बार, पहले मैंने एफ निकाला है, फिर यहाँ पर ई निकाला है। सिंपल डायरेक्शन दो नंबर का आ सकता है, उसके बाद अपन इसको डायरेक्शन जरूर बताना है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका फिजिक्स की क्लास में आपके प्यारे से खूबसूरत से चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई आरबीएसई दोनों का रिगार्डिंग, वेस से आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लगभग चैप्टर के लास्ट में पहुँच चुके हैं, इसका हमारा डेरिवेशन पार्ट होगा, उसके बाद हम पूरे चैप्टर की समरी करवाएंगे आपको एक बार। तो सबसे पहले अपन इस डेरिवेशन को देख लेते हैं। इससे पहले अपन एक डेरिवेशन किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल। अब इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसमें बल था। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपन टॉपिक पर आते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है वो देखते हैं एक बार। देखो यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ देखो एक चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज Q नोट, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q1 चार्ज, जिसकी O पॉइंट से पोजीशन है R1 वेक्टर। एंड द चार्ज पुट हेयर Q2, द पोजीशन ऑफ फ्रॉम द O पॉइंट दैट इज द R2 वेक्टर, एट द पॉइंट Q3 पोजीशन वेक्टर R3, एंड फर्दर देन नेक्स्ट पोजीशन Rn वेक्टर एट ए पॉइंट Qn चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यहाँ पर।
इसी तरह क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और क्यू एन आवेश पर अपने अपने स्थिति सदिश हमारे लिए दिए हैं। अब देखते हैं ये जो क्यू वन चार्ज है, अब आगे की जितनी भी क्लास होंगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, न्यूमेरिकल बेस से डेरिवेशन बेस से, वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यू वन चार्ज ने इस क्यू नोट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया है, ई वन वैक्टर। आगे बात करते हैं क्यू टू चार्ज ने इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, ई टू वैक्टर। क्यू थ्री ने कितना लगाया है, ई थ्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वैक्टर क्वान्टिटी जस्ट एज ए इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी तरह क्यू एन ने कितना लगाया, ई एन। तो सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल सिद्धांत बोल देता हूँ आपका, ये सब इसका सिद्धांत वगैरह जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज ए पीडीएफ। अब क्या है कि यहाँ देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। मैं कहता हूँ पूरे सिस्टम की वजह से, पूरे सिस्टम के पूरे निकाय के कारण, पूरे आवेशों के समूह के कारण बिंदु आवेश पर या क्यू नोट आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिशियों के बराबर होती है। इन्हें हम बोल देते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एस चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज अप्लाई एंड इंडिविजुअल चार्ज एक्ट ऑन ए क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बुक वगैरह मिल जाएगी और इजी लैंग्वेज मैंने आपको बोल दी है, सिंपल सी बात है। अब अपन इसका डेरिवेशन टाइप करते हैं। डेरिवेशन में क्या है इसके में, देखो तो सिंपल सी बात है, इस हिंदी में समझ लो, क्यू नोट चार्ज पर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, सब लगा रहे हैं, तो इस पर जो नेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई वैक्टर। कितना लग रहा है, ई वन वैक्टर, ई टू वैक्टर, ई थ्री वैक्टर, सोन कितना गया ये, ई एन। बस सिंपल सी बात है, यही लो है, ये अपन ने पहले पढ़ा था, एफ वैक्टर इक्वल टू एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर डॉट डॉट एफ एन वैक्टर, ये पढ़ा था। अब चलते हैं अपन इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अपन देखते हैं ऑल चार्ज अप्लाइड ए फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज, ऑल चार्जेज अप्लाइड ए फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। भाई पहले फोर्स आएगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी फोर्स को उसके जो टेस्ट चार्ज है उसे डिवाइड कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर एफ है, अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिल जाती है। प्यारे बच्चों All charges applied a force on Q naught charge. Apply करते हैं इसके ऊपर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की। सभी आवेश Q naught आवेश पर बल आरोपित करते हैं, तो सभी जो चार्ज हैं वो क्यू नोट चार्ज के ऊपर बल आरोपित करते हैं, अप्लाइड फोर्स। अब अपन चलते हैं इसके फर्स्ट स्टेप पर। क्यू वन आवेश के कारण क्यू नोट आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू वन चार्ज। हमको ये तो पता है किस पे लग रहा है, क्यू नोट पे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू ए क्यू वन चार्ज एट क्यू नोट। क्यू वन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपन ने, वेक्टर फॉर्म है, यहां देखो सब पे वेक्टर लगाया हुआ है मैंने, ई वन इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ई इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला अपन को याद होगा, ई इक्वल टू होता है के कॉन्स्टेंट क्यू, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर क्यू वन की वजह से निकाल रहे हो, क्यू टू की वजह से, क्यू थ्री और ये क्यू एन की वजह से।
अपॉन आर स्क्वायर, ये जो आर है डिस्टेंस बिटवीन दैट वन चार्ज क्यू वन और क्यू नॉट की बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, ये देखें कितनी है। ओके ई वन के लिखा मैंने, किसकी वजह से निकाल रहे हो, क्यू वन की वजह से निकाल रहे हो। डिस्टेंस कितनी है, बिल्कुल सही बात है। अपन ने कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले इसका जो लास्ट अपना वीडियो था वो ये बताया था कि आर वन वैक्टर और आर टू वैक्टर ऐसा था, यहाँ पर आर वन और आर नॉट है तो डिस्टेंस हो जाएगी ये आर नॉट वन, तो आर नॉट वन कितना होगा, ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर वन। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ये देखो ये आर नॉट है, आर वन है, मैं वैक्टर आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ इसके बारे में आपको, अगर ये अगर आर वन है, अगर इधर डायरेक्शन है तो ये आर नॉट वन हो गया और ये हो गया आर नॉट, तो मुझे बताओ आर वन प्लस आर नॉट वन कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर नॉट वन इक्वल हो जाएगा आर नॉट, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ आर जीरो वन इक्वल कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दूँ तो आर नॉट माइनस आर वन हो जाएगा ना बेटा जी, सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई आर नॉट वन, वेक्टर लगाया स्क्वायर हो गया। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी पूरा मैग्नीट्यूड है, कहीं वेक्टर नहीं है तो वेक्टर शो करते थे आर नॉट वन और ये हो गया अपने पास यूनिट वेक्टर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर नॉट वन इसका वेक्टर और इसका सॉरी स्क्वायर आएगा, डिस्टेंस में स्क्वायर आता है, यह हो जाएगा आर नॉट वन, इसको वेक्टर में चेंज कर दिया और ये हो जाएगा आर नॉट वन का वापस मैग्नीट्यूड। इसको फिर से सॉल्व करते हैं एक बार, मैं एक बार ये वाला स्टेप समझा रहा हूँ फिर ताकि अपन डायरेक्ट कर लेंगे अगले वाले स्टेप में। के क्यू वन ये देखो कितना हो जाएगा आर नॉट वन, इसका वेक्टर लगाया इस पर हो जाएगा क्यूब, वेक्टर हो गया मोड, मतलब ये हो गया एक तरह का मैग्नीट्यूड या परिमाण जिसको बोलते हैं, यहाँ हो जाएगा आर नॉट वन वेक्टर। एक स्टेप और लेते हैं इसका, अब यहाँ देखो हमको पता है आर नॉट वन कितना है वेक्टर में, आर नॉट माइनस आर वन के आया, क्यू वन आया, आर जीरो माइनस आर वन, आर जीरो आर नॉट बोल देते हैं, ये वेक्टर, ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और यहाँ आ गया क्यूब, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई, इसकी जगह कितना आ जाएगा आर नॉट माइनस आर वन, ये वेक्टर और ये वेक्टर, आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ चुकी है ई वन। अब आप बताओ मुझे डायरेक्ट ई टू ले सकते हैं अपन, ई टू कितना होगा, ई टू वैक्टर के क्यू टू, इसकी वजह से ये कितना हो जाएगा, ये आर नॉट वन हुआ है हो जाएगा आर नॉट टू, ओके ये कितना हो जाएगा आर नॉट थ्री, ये कितना हो जाएगा आर नॉट एन, सिंपल सी बात है। अब डेरिवेशन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ओके आर नॉट माइनस आर टू सीधा कर देते हैं अपन, यहाँ जो वन है उसके टू आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ क्यूब और ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर थ्री सॉरी आर टू, ये वेक्टर, ये वेक्टर, इसको अपन ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, ओके सेकंड हो गया। थर्ड स्टेप निकाल सकते हैं अपन ई थ्री के क्यू थ्री आर नॉट माइनस आर नॉट माइनस आर थ्री क्यू, कितना हो जाएगा आर नॉट माइनस आर थ्री वेक्टर फॉर्म, क्या निकालोगे नेक्स्ट, ई एन निकाल देते हैं अपन के क्यू एन अपॉन आर नॉट माइनस आर एन, इसका वापस क्यू हो गया आर नॉट माइनस आर एन और ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, बस वेक्टर लगा दो इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बेटा जी अपन है ना यहाँ पर ई थ्री, ई फोर, ई फाइव कितने भी ले सकते हैं, अपन को जाना तो एन तक ही है ना, तो लास्ट में आ गया ई एन, इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी, इसकी, इसकी कहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ पुटिंग ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सभी मान समीकरण नंबर एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ ई आ गया, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा इसकी, यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी पूरी इसकी उठ के, ये वाली वैल्यू
फिर ये। अब मुझे बताओ, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, अब आप मुझे बताओ इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो क्या को मैंने बाहर निकाल दिया। क्या बचा देखो, क्यू वन अपॉन ये पूरा बच गया, पूरा पार्ट यहाँ, ये पूरा पार्ट बच गया, यहाँ ये पूरा पार्ट बच गया और यहाँ पर ये पूरा पार्ट बच गया। तो इसी को लिख लेते हैं अपन, क्यू वन अपॉन आर नोट माइनस आर वन क्यू आर नोट माइनस आर वन क्यू टू का आ जाएगा इस तरह से। लास्ट में क्या आ जाएगा अपन लिख सकते हैं अपन, सो क्यू एन कितना आ जाएगा, क्यू एन अपॉन आर नोट माइनस आर एन, ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड और ये क्यू आर नोट माइनस आर एन और ये वेक्टर होम। सिंपल सी बात है, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको समेशन टाइप में लिख सकते हैं अपन, सिंपल सी बात, समेशन टाइप में लिख देंगे सो के तो बाहर आ जाएगा, समेशन लगा दो या आई इक्वल कितना हो जाएगा, वन कहाँ शुरू हो रहा है, वन से कहाँ तक गया, कहाँ तक गया एन तक, आई इक्वल कितना हो जाएगा एन। अब इसी वैल्यू पर रख सकते हैं यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू बताओ मुझे, यहाँ आ जाएगा क्यू आई, नीचे आ जाएगा आई मतलब फर्स्ट आर नॉट माइनस आर आई, ये पहले भी करवा चुका हूँ मैं आपको, यहाँ से कितना आ जाएगा आर नॉट माइनस आर आई और ये इसका वेक्टर फॉर्म। ई वेक्टर के इसको बोलते हैं समेशन, सबका एडिंग करना, समेशन करना, जोड़ना। आई कहाँ शुरू हुआ, वन से, तो यहाँ अगर अपन वन करेंगे तो यहाँ वन आ जाएगा, अगर यहाँ टू कर देंगे तो कितना हो जाएगा टू आर नोट माइनस आर टू क्यूब आर नोट माइनस आई आर टू, कहाँ तक गया एन तक, लास्ट में क्या चला जाएगा एन तक। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब अपन शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल पार्ट।